हेलो स्टूडेंट्स, सो वी वेर डूइंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एक बार और इसको रिवाइज करते हैं। सो यू रिमेंबर कि हाइड्रोजन एटम के सैंपल को जब हम हीट करते हैं सो उससे रेडिएशन एमिट होती हैं और उन रेडिएशंस को हम प्रिज्म से पास करते हैं, देन वी गेट नंबर ऑफ लाइंस विथ डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी। और वो लाइंस होती हैं बच्चों, वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में मिलती है हमको। ये हमने पैटर्न देखा था कि इन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स सभी हाई एनर्जी लेवल से वन पे आता है, दिस इज कॉल्ड लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड दिस सीरीज लाइज इन यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन। इस सीरीज में N1 की वैल्यू 1 होती है जिसमें ड्रॉप हो रहा है इलेक्ट्रॉन, और N2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन इस तरह हो सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन सभी हाई एनर्जी लेवल से 2 पे आता है तो उसे बोलते हैं बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड दिस सीरीज लाइज इन विजुअल रीजन, करेक्ट। एंड इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन सभी एनर्जी लेवल से अगर थर्ड में आता है तो उसे बोलते हैं पाशन सीरीज, फोर्थ में आता है तो ब्रेकेट सीरीज, एंड सभी हाई एनर्जी लेवल से 5 में आता है तो उसे बोलते हैं पी फंड सीरीज, करेक्ट। एंड ये लास्ट की सीरीज जो है वो IR रीजन में होती हैं। इसके बाद मैंने एक सीरीज का और नाम लिया था कि अगर इलेक्ट्रॉन सभी हाई एनर्जी लेवल से 6 में आता है तो उसका नाम होता है हम्फ्री, ठीक है। दिस इज द न्यू सीरीज हैज बीन डिस्कवर्ड, दिस इज HU हम्फ्री सीरीज। इसमें सभी हाई एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन 6 में आता है एंड ये भी IR रीजन या फार IR रीजन में होता है। एंड दिस द जनरल फार्मूला ऑफ स्पेक्ट्रम, 1/λ RZ² 1/N1² - 1/N2² एंड फॉर हाइड्रोजन यू पुट Z=1, करेक्ट। अच्छा बच्चों, एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो जब मैंने ये स्पेक्ट्रम आपको दिखाया है तो देखो N=1 को जैसे आप बोलते हो ग्राउंड स्टेट, N=2 क्या होता है सेकेंड एनर्जी लेवल, दिस द फर्स्ट एनर्जी लेवल एंड थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ। एंड हम कंसीडर करते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। एंड जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकेंड पर जाता है इसे बोलते हैं एक्साइटेशन, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाना, ध्यान देना, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाना, हाई एनर्जी में जाना को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्साइटेशन। ओके, इसे बोलते हैं एक्साइटेशन। एंड सबसे पहले एक्साइटेड स्टेट कौन सी आएगी, N=2, इसलिए बोलते हैं इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर एनी एटम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। सो दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो जब मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट में है तो इसका मतलब है फोर्थ एनर्जी लेवल में है, करेक्ट। कभी कभी एनर्जी लेवल को डायरेक्ट ना दे करके एक्साइटेड स्टेट दे देते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि देखो 1 और 2 में मैंने एनर्जी गैप ज़्यादा रखा है और 2 और 3 में कुछ कम हुआ है, 3 और 4 में कुछ और कम है, 4th और 5th में कुछ और कम है और इसमें कुछ और कम। इसमें आप लोगों ने शायद इस बात को ध्यान ना दिया हो और बना दिया हो, ऑल्दो इट हैज़ मीनिंग और इस पर काफ़ी क्वेश्चन भी आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप 1 और 2 में होता है फॉर वन डिफरेंस, उसके बाद 2 और 3 में, फिर 3 एंड 4 में एंड 5। इस पे मैं क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था, मैं बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है इसे किसी को भी। देखो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, विच ट्रांजिशन हैज हायर वेवलेंथ, करेक्ट। 2 से 1, 3 से 2, 4 से 3, 5 से 4। अब सभी में डिफरेंस कितना दिख रहा है, एक एनर्जी लेवल का डिफरेंस दे रहा है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा है, इट विल इमिट रेडिएशन, क्योंकि हायर से लो में आता है तो एनर्जी इमिट होती है, यू नो दैट, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो में आएगा तो देखो हाई पे उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, तो जब वो लो में आता है तो इट इमिट रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स।
ओके अब क्वेश्चन है कि डिफरेंस तो सब में एक ही दिख रहा है तो वेवलेंथ सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये बात आपको डायग्राम से समझना चाहिए, क्योंकि जब आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, जब न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो ये एनर्जी गैप बिल्कुल कोलैप्स करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत दूर तक तो नहीं काम कर सकता है इतना, तो वहाँ पर एनर्जी लेवल बिल्कुल पास पास हो जाती हैं, 7 के बिल्कुल पास 8 हो जाएगी, 8 की बिल्कुल पास 9 हो जाएगी। इस तरीके से एनर्जी गैप जो है वो बिल्कुल पास होते जाएंगे। अच्छा एक बात आपको ये भी पता है कि डेल्टा ई जो होता है दैट इज एच न्यू एंड इट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। और इसमें मैंने बताया था कि लैम्डा जब मैक्सिमम होगा तो एनर्जी गैप मिनिमम होगा, ये मैक्स है एंड ये मिनिमम है, ठीक है। और अगर ये मैक्सिमम होगा एनर्जी गैप तो लैम्डा मिनिमम होगी। अब मैंने पूछा है कि विच हैज हायर वेवलेंथ, इसका मीनिंग ये है कि किस ट्रांजिशन में एनर्जी गैप सबसे कम है। जहाँ पर एनर्जी गैप सबसे कम होगा वहाँ पर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। देखो डिफरेंस कितने का है, वन का, यहाँ पर सभी जगह वन का डिफरेंस है। जितना ऊपर जाते जाते हैं एनर्जी गैप कम होता जाता है, तो सबसे ऊपर ट्रांजिशन कौन से, 5 से 4, तो 5 से 4 के लिए मिनिमम एनर्जी गैप है। आप फिर से डायग्राम देख सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, सबसे पहला एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर कम, फिर और कम, फिर और कम, इस तरह से एनर्जी गैप कम होते जाते हैं। सो 5 से 4 ट्रांजिशन के लिए डेल्टा ई जो है बच्चों वो मिनिमम है। सो इसके लिए फिर लैम्डा क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। सो आंसर इज डी, करेक्ट। विच ट्रांजिशन हैज हायर वेवलेंथ, अगेन ये क्वेश्चन हुआ। इस बार मैंने 2 का गैप रखा है, 3 से 1, 4 से 2, 5 से 3। तो अभी मैं डी को ना देखूं तो यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। बट जितना नीचे होगा, फर्स्ट और सेकेंड एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा है, फिर सेकेंड और थर्ड उससे कम है, थर्ड एंड फोर्थ उससे कम है। देखो यहाँ पर एनर्जी गैप इन दोनों से ज़्यादा है, बट डी में कितने एनर्जी गैप है, 3। देखो ध्यान से, 5, 3, 4, 2। तो हमेशा 2 एनर्जी गैप एक एनर्जी गैप से ज़्यादा होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 5 से 3 लिख देता तब तो आंसर ए हो जाता, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी गैप ज़्यादा है। सो एनर्जी गैप की बात करूँ, वेवलेंथ तो दूसरा होगा, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप कहाँ पर है, 5 से 2 में, क्योंकि यहाँ पर 3 का डिफरेंस है और यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। अगर सभी में डिफरेंस सेम रहता तो नीचे वाला एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप माना जाता, ठीक है। तो अगेन डेल्टा ई मिनिमम इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा मैक्सिमम। सो सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप कहाँ पे है, डी में, सॉरी डी में सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप है तो वहाँ लैम्डा मिनिमम होगी। तो सबसे कम एनर्जी गैप कहाँ पे है, 3 से 1, 4 से 2, 5 से 3 में, राइट। द आंसर इज सी पार्ट, करेक्ट। इस तरीके से कर सकते हैं आप इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन जो मैं आपसे नेक्स्ट पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है बच्चों, बट ये क्वेश्चन आईआईटी में भी आ चुका है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव सेम वेवलेंथ एज द बाल्मर ट्रांजिशन n to n equal to 2 ऑफ Hg+ स्पेक्ट्रम। इस क्वेश्चन को आपको एक दो बार पढ़ने की ज़रूरत है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन से ट्रांजिशन हैं जो Hg+ के स्पेक्ट्रम के ट्रांजिशन, सॉरी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन से ट्रांजिशन हैं जिसकी वेवलेंथ Hg+ के स्पेक्ट्रम के ट्रांजिशन के बराबर हो जाए जब इसमें ट्रांजिशन क्या हो, n equal to 4 से n equal to 2। तो पहले देखो, मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दोनों ट्रांजिशन पूछ रहा है आपसे, तो मैं उसके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 1 by λh इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, जेड कितना है यहाँ पे, 1, तो यहाँ पे 1 रख दिया मैंने, एंड 1 by n1 square माइनस 1 by n2 square। ना तो मुझे यहाँ पर n1 पता है और ना ही n2 पता है, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वो लाइमन सीरीज है या बाल्मर सीरीज है। तो हमने दोनों ट्रांजिशन लिख दिए n1 n2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1।
विच हैव सेम वेवलेंथ एज द बाल्मर ट्रांजिशन इन एच ई प्लस स्पेक्ट्रम। तो अब मैं 1 बाई लेमडा एच ई प्लस के लिए लिख रहा हूँ। देखो एच ई प्लस का मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आर जेड स्क्वायर, जेड कितना होता है हीलियम के लिए 2। आई होप कि यू रिमेंबर द ट्रांजिशन फार्मूला, 1 बाई लेमडा आर जेड स्क्वायर 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से, अच्छा बाल्मर ट्रांजिशन है तो एन टू की वैल्यू 2, एन वन की वैल्यू 2 होनी चाहिए, यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा आपको, 1 बाई टू का स्क्वायर, एंड सेकेंड एन टू की वैल्यू 4 दे रखी है, सो 1 बाई 4 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर इतना? अब इसमें किस ट्रांजिशन के लिए इसकी वैलेंस इसके बराबर होनी चाहिए, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, वेरी सिंपल। तो हमें क्या करना है, 1 बाई लेमडा एच इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा एच ई प्लस, दोनों की वेलेंथ को बराबर करना है। तो जब वेलेंथ को बराबर करोगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये जो 4 आया इस 4 को अंदर से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर इक्वल टू, इस 4 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, 4 बाई 4 1 अपॉन 1 माइनस 4 अपॉन 16 तो 1 बाई 4, ठीक है, एंड 1 बाई 4 माइनस 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर। क्लियर इतना? नाउ कंपेयरिंग बाई कंपेयरिंग, तो एन वन के प्लेस में क्या आएगा 1 और एन टू के प्लेस में क्या आएगा 2। तो व्हाट शुड बी द ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सो दैट की हीलियम के ट्रांजिशन की वेवलेंथ इसके बराबर हो जाए, तो ट्रांजिशन क्या आना चाहिए 2 से 1, दिस द आंसर। हो गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन IIT में सब्जेक्टिव में आ चुका है और ये क्वेश्चन जो है NCERT में भी गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन से ट्रांजिशन जो है वो एच ई प्लस में जब 4 से 2 ट्रांजिशन हो रहा है उसकी वेवलेंथ के बराबर हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर 2 से 1 ट्रांजिशन कराया जाए, यानी कि एन टू की वैल्यू 2 और एन वन की वैल्यू 1 हो, तो इन दोनों की वेवलेंथ बराबर हो जाएगी। इतना क्लियर है? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस एच ई प्लस एच ई प्लस 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 इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड क्या एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब देखो एच ई प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एच ई प्लस में बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम 2He4 होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्लियर इतना? अब इसमें एच ई प्लस कर दिया गया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया गया है, तो एच ई प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 2 प्रोटॉन्स, तो ये न्यूक्लियस इसका हो गया जिसमें 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये आपका हो गया। एच ई प्लस प्लस का मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव कर दिया गया है, सो इस इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव करेंगे तो यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, और तब ये क्या बचेगा, केवल इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स बचेंगे और 2 न्यूट्रॉन्स बचेंगे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स तो निकल गए। बिल्कुल क्लियर है? नाउ जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है कंप्लीटली रिमूव करने का मतलब क्या होता है, मैंने कई बार बताया है कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर जीरो करना है। सो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कंप्लीटली एट गैसेस स्टेट जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो एनर्जी आपको देनी है इस एनर्जी का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सो आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आपको अब याद होनी चाहिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम्स, गैसियस स्टेट पे डिफाइन है, और इसकी यूनिट जो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इतना क्लियर है? तो बस इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन तो पहले निकल चुका है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो जब इलेक्ट्रॉन निकाला गया है तो यहाँ पर 2 प्लस आ गए हैं क्योंकि पहले से 1 प्लस था, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन को तो हम एक लाइन में कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन के पीछे मैं सारी बातें बताता हूँ जैसे कि ऐसा क्वेश्चन दोबारा आया तो आप कर सकें, अल्दो मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी में कुछ क्वेश्चन कराए थे। सो रिमेंबर जैसे मैंने पूछा था आपसे क्वेश्चन, फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी
ऑफ हाइड्रोजन इन फर्स्ट ऑर्बिट, याद है, इन फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, तो आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। जब मैं बाइंडिंग एनर्जी कंसेप्ट बता रहा था तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या लिखते हो एनर्जी का, सॉरी हाइड्रोजन के लिए, EN इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। एंड हाइड्रोजन के लिए जब निकालोगे फर्स्ट ऑर्बिट में तो E1 -13.6, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जेड 1 होता है और फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू 1, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी से बाउंड है और इतनी प्लस एनर्जी दे दो तो वो न्यूक्लियस को छोड़ के चला जाएगा। बट निकालते कैसे थे, तो निकालने के लिए देखो मैंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली रिमूव करना होता है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली रिमूव करना है, तो रिमूव करके कहाँ ले जाना इलेक्ट्रॉन को, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी इन्फिनिटी पे लेके जाना है। तो देखो, तो व्हाट इज़ एनर्जी रिक्वायर्ड, तो एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होगी, ये एनर्जी डिफरेंस चाहिए हमको, डेल्टा ई इक्वल टू आपको इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी में ले जाना है और E1 से। ठीक है, तो ई इन्फिनिटी कितना होता है, 0, जहाँ पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 हो जाए, माइनस E1 कितना है इसका, -13.6, कितना आ गया, +13.6, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। मानते इसी बात को, ये मैंने सॉल्व किया था। नाउ अब यही क्वेश्चन मैंने हीलियम के लिए भी आपसे पूछा था, फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Hg+ एटम इन फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है Hg+ एटम से फर्स्ट ऑर्बिट से, तो फिर से हम फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो E1 -13.6 इंटू जेड कितना, हीलियम के लिए 2, और सेम ऑर्बिट की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इसको मल्टीप्लाई करो तो इट विल बी -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इतनी प्लस एनर्जी दे दो तो इलेक्ट्रॉन हीलियम एटम से, हीलियम Hg+ से रिमूव हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, सो आंसर एनर्जी क्या होगी, डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस व्हेन एनर्जी, देखो आंसर एनर्जी क्या होगी, एनर्जी डिफरेंस जब इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से कहाँ ले जा रहे हो, इन्फिनिटी में, तो ई इन्फिनिटी -E1 इन केस ऑफ हीलियम, तो ई इन्फिनिटी 0 है, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना आ गया, +54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये एनर्जी हाइड्रोजन के आयोनाइजेशन से कितने टाइम्स है, कंपेयर करो, तो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन कितनी थी, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये इसका 4 टाइम्स है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट, क्यों, अच्छा क्यों 4 टाइम्स है, क्योंकि यहाँ भी मैं फर्स्ट ऑर्बिट से रिमूव कर रहा हूँ और हाइड्रोजन के केस में भी फर्स्ट ऑर्बिट से रिमूव कर रहा हूँ, यानी कि ऑर्बिट नंबर दोनों में सेम है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो क्या कि जो ये फार्मूला लिखते हो इसी को प्लस लिख दो तो ये फार्मूला आयोनाइजेशन एनर्जी का बन जाएगा, इसी फार्मूले को प्लस कर दो तो आयोनाइजेशन एनर्जी बन जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे अभी आपने लिखा EN इक्वल टू 13.6 -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, फॉर हाइड्रोजन एटम इसको लिखना है, तो EN इक्वल टू -13.6, हाइड्रोजन के जेड कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, अभी मैं ऑर्बिट के लिए नहीं कह रहा हूँ, सो -13.6 जेड स्क्वायर, ये हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी है। ठीक है, अब इसका अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ EN इक्वल टू +13.6 अपॉन एन स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। फर्स्ट ऑर्बिट से आप यहाँ पे 1 पुट कर दो तो फर्स्ट ऑर्बिट की हो जाएगी, और हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट में क्या होगी, यहाँ पे 2 पुट कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, और EN ये किसके लिखा मैंने, फॉर हाइड्रोजन। अब मैं फॉर हीलियम लिखना चाहूँ तो EN
इक्वल टू प्लस 13.6, और यहाँ पर मैं जेड को इग्नोर नहीं कर सकता, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ऑर्बिट नंबर दोनों में सेम है फॉर एच ई प्लस एटम, फॉर एच ई प्लस एटम, ठीक है, ऑर्बिट नंबर सेम है तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। चलो तो जब डिवाइड किया हमने तो ये हाइड्रोजन के लिए और ये हीलियम के लिए, तो क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन डिवाइड बाई आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हीलियम इक्वल टू, सेम ऑर्बिट की हम लोग बात कर रहे हैं तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, 13.6 से 13.6 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा हमारा, वन बाई जेड स्क्वायर, ठीक है, वन बाई जेड स्क्वायर, और ये जेड किसका था, हीलियम का। तो क्यों ना इसको हम जनरल फॉर्मूला बना लें, अगर मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन जगह कोई और दूसरा आइटम होता तो मैं इसको जनरल फॉर्मूला ये बना सकता हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी एटम ए डिवाइड बाय आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ वी एटम इक्वल टू जेड ए स्क्वायर डिवाइड बाई जेड बी स्क्वायर फॉर सेम ऑर्बिट। अब ऐसा नहीं करना है आपको कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से निकालते हो और इसमें सेकेंड से निकालते हो, तब ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर मैं इसी फॉर्मूले में हाइड्रोजन के ऑर्बिट को भी यहाँ पर जेड वन लिख देता, मान लो हमने जेड की वैल्यू वन रख दी है वैसे, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको जेड वन मान लेता हूँ और इसको जेड टू मान लेता हूँ, तो फॉर्मूला हमारा क्या आ जाता है यहाँ पर, जेड वन का स्क्वायर जेड टू का स्क्वायर एंड जेड वन का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फॉर्मूला आ गया और जनरल ले सकते हो, तो आयोनाइजेशन एनर्जी वन डिवाइड बाई आयोनाइजेशन एनर्जी टू इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ वन का स्क्वायर डिवाइड बाई एटॉमिक नंबर ऑफ टू का स्क्वायर, बिल्कुल क्लियर है। अब यहीं पर मैं आपसे कहूँ कि लिथियम टू प्लस, लिथियम टू प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट की आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ, तो क्या करते हैं आप, लिथियम टू प्लस के केस में आप फर्स्ट ऑर्बिट में तो एन वन रखते और यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या रखते, थ्री, तो ये नाइन स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाता। तो आप क्या करो, हाइड्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, अभी आपने लिथियम की क्या निकाली थी, देखो ये देखो, लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी थी, सॉरी हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी थी, फोर टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो लिथियम कितनी जाएगी इसके नाइन टाइम्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप जेड की वैल्यू थ्री रखोगे तो ये नाइन हो गया, नाइन मल्टीप्लाई बाई दिस, और जो माइनस में आ जाएगा बाद में वही प्लस हो जाता है। तो जो भी आयोनाइजेशन एनर्जी है, अगर फर्स्ट, क्या आप समझ लो, बहुत ध्यान समझना, फर्स्ट ऑर्बिट की अगर आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी हो तो 13.6 से आप अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए एच ई प्लस की आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी, और 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 13.6 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये लिथियम 2 प्लस की आ जाएगी। तो क्या समझे आप कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, या मैं कहता हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू ऑफ एनी एटम इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब, जब सेम ऑर्बिट हो तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। हीलियम के लिए निकालना है तो यहाँ पे 2 रख दो तो 4 टाइम्स हो जाएगा, एंड लिथियम के लिए निकालना है तो यहाँ पे 3 रख दो तो इसका 9 टाइम्स हो जाएगा, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी का 9 टाइम्स। और हमने ये फॉर्मूला सीख लिया, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 डिवाइड बाई आयोनाइजेशन एनर्जी 2 इक्वल टू जेड वन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड टू स्क्वायर, जेड वन जेड टू क्या है, एटॉमिक नंबर, बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को। सो अब आते हैं इस क्वेश्चन में, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज दिस। अब यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी जूल में दे रखी है, ठीक है, सो कोई बात नहीं, ये फार्मूला हम जूल में रख निकाल लेंगे, क्योंकि नंबर तो कैंसिल ही हो जाना है, तो कैसे करेंगे इसको, सो कैसे लिखें बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हीलियम कर दिया, ये टू है, सो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितना है,
2.18 × 10⁻¹⁸ डिवाइड बाय आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस इक्वल टू Z1 हाइड्रोजन का कितना होता है 1² डिवाइड बाय Z, वही बात हो गई 2² ठीक है, सेम ऑर्बिट है तो आप कैसे भी कर लो सो सिंपल। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ HE+ कितना आ जाएगा इक्वल टू 4 × 2.18 × 10⁻¹⁸ ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉरी ये आया है 4 × 2.18 × 10⁻¹⁸ एंड यू मल्टीप्लाई दिस सो यू गेट 2.78 × 10⁻¹⁸ जूल। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो यू नो दैट कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है तो आप इस वैल्यू को 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड कर दो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एंड कुछ थ्योरी और डिस्कस करते हैं उसके बाद वापस से क्वेश्चंस में आएंगे। अब इसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, ये क्या है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो भी बोर मॉडल्स आपने पढ़ा है उसका एक कोई ड्रॉबैक बताओ, अंदर इन्होंने अधिकतर मॉडल के ड्रॉबैक खुद ही एक्सप्लेन किए हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो रिजल्ट निकल के आए हैं, बहुत चीज़ों की स्टडी सिंपल हो गई है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना हो, एटम की रेडियस निकालना हो, वेलोसिटी निकालना हो, बहुत चीज़ें सिंपल हो गई, बट स्टिल एक थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक होते हैं उसके बाद फिर से न्यू थ्योरी आती है। सो लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल यही है कि आपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन जो बोर मॉडल है ये केवल हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में ऑपरेट होता है, इसके सारे फॉर्मूले हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में लगा सकते हैं, तो यही ड्रॉबैक हो गया। अगर किसी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का क्या मतलब समझते हो, जिस एटम में एक इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन कितने भी हों, ठीक है। सो डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, अगर किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके स्पेक्ट्रम को और उन पर ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं होते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड डज नॉट एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट, डज नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। अब ये क्या होते हैं, जो स्पेक्ट्रम आपने देखा ये लाइन जो आप देखते हो उनके स्पेक्ट्रम में, यही एटम का स्पेक्ट्रा अगर मैग्नेटिक फील्ड में एटम को पुट करके या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो ये जो लाइंस होती है ना बच्चों वो फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं, और इसको जब हम बहुत ही अल्ट्रावायलेट माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये लाइन जो होती हैं वो फर्दर स्प्लिट दिखाई देती हैं। अब इसका क्या मतलब ये अभी नहीं मैं बता सकता हूँ आपको, बट ये समझ लो कि दीज लाइन्स आर फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस बात को बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसके बारे में बुक में भी कोई ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे रखा है, लेकिन याद करो मैंने एक बात कही थी कि क्वांटम नंबर बोर मॉडल सभी को एक साथ कनेक्ट करना है, जीमैन और स्टार के इफेक्ट की वजह से ही क्वांटम नंबर आई थी, और मैं इसको नेक्स्ट आपको रिलेट भी कर दूंगा कि कैसे। तो देखो क्या होता है, डज नॉट एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट होता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या मैं इसे लिखता हूं यहां पर फर्दर स्प्लिटिंग, फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो लाइन आपने देखी दैट आर स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमैन इफेक्ट। जीमैन जो है वो साइंटिस्ट का नेम है, और यहाँ पे क्या है, फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन
इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ए स्टार्क इफेक्ट। इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है, क्वांटम नंबर को इसके वापस में रिलेट करूंगा तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड अ स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, तो बोर मॉडल या नील बोर वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा भी बहुत सारे ड्रॉबैक थे बच्चों, जैसे कि इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन है उसका केवल पार्टिकल नेचर की बात की थी, पार्टिकल नेचर, और इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की पोजिशन वेलोसिटी ये सब बहुत ही क्लियर आप बता सकते हो। देखो कितने क्लियर फॉर्मूले दे दिए थे उन्होंने हर चीज़ के, बहुत ही क्लियर बता सकते हो जब वो न्यूक्लियस के बाहर घूम रहा है। बट आप सोचो इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका मास इतना कम हो, जिसकी वेलोसिटी इतनी हाई हो, इतनी ज़्यादा हो, उस पार्टिकल के बारे में इतनी सर्टेनिटी से इन्होंने आंसर दिए थे और यही बात गलत हो गई। सो इसके बाद आप पढ़ोगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और दिस मॉडल वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि आज की क्लास में मैं लास्ट बताऊंगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये क्या होता है आप सीखोगे, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। चलो तो फिर हमें कुछ अदर, जितना चैप्टर में मेन टॉपिक है वो कवर हो चुके हैं लगभग, अब छोटे छोटे पॉइंट्स और भी हैं उसको सीखते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रोगली, और इन्होंने फास्ट मूविंग माइक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड लाइक दैट, उन पर स्टडी की थी, और भी इनके कोवर्कर्स ने, कोलिग्स ने। सो उसमें इन्होंने ये बताया विद एविडेंस, और फर्दर भी और भी एविडेंस हो चुके थे कि कोई भी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स है उसके अंदर दो करेक्टर होते हैं लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपने डिस्कस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कि दे पजेस ड्यूअल नेचर, पार्टिकल एंड वेव नेचर। वेव नेचर हमने कहा कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस फिनोमेना से होते हैं, जो कि हमने बस इतना नियम पढ़ा है। पार्टिकल नेचर हमने प्रूव करने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, और मैक्स प्लैंक थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पढ़ा। अब यहाँ पर मैटर की ड्यूअल नेचर की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये तो मैटर होते हैं और EMR क्या है, लाइट है। तो इन्होंने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की बात की, और किस टाइप के मैटर की, जो कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनकी हाई स्पीड होती है। ठीक है, मैटर में ट्रेन आता है, मैटर में एरोप्लेन आता है, तो लेकिन उनका मास बहुत ज़्यादा है, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, और यहाँ पे ड्यूअल नेचर की बात हो रही है फॉर स्मॉलेस्ट पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो इन्होंने क्या बताया, लाइक EMR या लाइक लाइट, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एक्सेट्रा इन मोशन, जब वो स्पीड में होते हैं, हैव ड्यूअल नेचर, दैट मीन्स एग्जिबिट वेव एंड पार्टिकल करेक्टर। अब देखो नील बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करता है, सर्कुलर मोशन करता है,
और डी ब्रोगली ने बताया नहीं, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन के साथ साथ इस तरीके का वेव मोशन भी कर सकता है। जो मैटर से वेव क्रिएट होती है उसे बोलते हैं मैटर वेव, ठीक है, एंड दिस इज द लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, वो अलग होता है। सो ये है, इलेक्ट्रॉन कैन मूव एज ए सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ एंड एज ए वेव। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि अगर इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर है तो फिर इसकी वेवलेंथ क्या होगी। सो हाउ टू फाइंड वेवलेंथ देन, हाउ टू फाइंड वेवलेंथ, वेवलेंथ कैसे फाइंड करोगे आप, तो इसके लिए उन्होंने बताया कि E इक्वल टू एच न्यू होता है। ये किसने बताया था, मैक्स प्लैंक ने, ये मैक्स प्लैंक इक्वेशन है, ओके, एंड E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये कौन सी इक्वेशन होती है, आइंस्टाइन मास इनर्जी रिलेशन, ये रिलेशन आपने सुना होगा, ठीक है। ये दो इक्वेशन हैं, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन इक्वल टू एम सी स्क्वायर एंड इक्वल टू एच न्यू अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक। पार्टिकल्स के लिए इन्होंने एनर्जी का ये फॉर्मूला दिया और इन्होंने ये एनर्जी का ये फॉर्मूला दिया, दोनों को इक्वेयर कर दिया डी ब्रोगली ने। सो वी कैन राइट 1, 2, सो वी कैन राइट एच न्यू इक्वल टू एम इन टू सी स्क्वायर, सी यू नो वेलोसिटी ऑफ लाइट, फाइन। ओके सो E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एच न्यू के प्लेस पे लिख सकते हो आप सी बाई लेमडा एम इंटू सी स्क्वायर, वन सी से वन सी कैंसिल हो गया, यू गेट एच बाई लेमडा इक्वल टू एम इंटू सी, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू सी। नाउ सी द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लेकिन जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं जरूरी नहीं कि उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी ही हो, तो इन्होंने क्या किया कि इस वेलोसिटी को दूसरे वेलोसिटी से रिप्लेस कर दिया, अगर लाइट की वेलोसिटी नहीं है बट वो उसी के आसपास है, सो वी कैन राइट एम वी ऑल्सो, ठीक है, सी को वी से रिप्लेस कर दिया गया। एंड एम वी क्या होता है, एच आपने पढ़ा लीनियर मोमेंटम एम इन टू वी, सो वी कैन राइट लेमडा इक्वल टू H अपॉन P also। सो अब ध्यान देना जरा, तो मैं इस फॉर्मूले को वापस लिख रहा हूँ, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं उसका मास पता हो, उसकी वेलोसिटी पता हो, और H तो हमको पता है प्लैंक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, ये हमको H के बारे में पता है, सो वी कैन फाइंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट मैटर। कोई भी मैटर बस स्मॉल हो, उसकी वेलोसिटी मास हमको पता रहते हैं, एच पता है, तो वी कैन फाइंड द वेवलेंथ। अब दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर बॉल, बॉल में अप्लाई नहीं कर सकते, ट्रेन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए अप्लाई नहीं करते। अब ट्रेन का वेलोसिटी तो आपको पता है, मान लो बुलेट ट्रेन है वो 350 किलोमीटर के हिसाब चल रही है, ठीक है, पर आवर्स, तो वेलोसिटी पता है, ट्रेन का मास भी बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इतनी टेक्नोलॉजी तो है, एच हमको पता है, तो लेमडा आ जाएगी, कह सकते हो आप। लेकिन सोचो ट्रेन इतना हैवी पार्टिकल है, अगर उसके अंदर वेव करेक्टर होता तो कितने एक्सीडेंट होते ट्रेन के, इंसिडेंट होते, ठीक है। तो हैवी पार्टिकल्स के लिए आप कोई 10 kg की बॉल ले लो, आप मान लो एक क्वेश्चन दे दूँ मैं आपको, 10 kg की बॉल है, ठीक है, और उसकी स्पीड जो है वो
10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो बताओ लैम्डा क्या होगा, चलो निकाल के देखते हैं ऐसे ही। तो 6.6 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड डिवाइड बाई, अच्छा एम के एस यूनिट में मास को किलोग्राम में यहाँ लेना होगा और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि जो एच है वो जूल पर सेकेंड में है, जूल के साथ जो आपका मास होता है वो केजी में, और ये उसमें होगा मीटर पर सेकेंड में। सो 10 केजी इंटू 10, ये 100 हो गया। तो आंसर क्या आएगा, 6.6 10 की पावर माइनस 36। अब मुझे बताओ वेवलेंथ आ तो गया, आंसर कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। 10 की पावर माइनस 36 क्या वेव करेक्टर होगा, कुछ नहीं, जीरो वेव करेक्टर है। 10 की पावर 36 कितना कम है, तो इसलिए हैवी पार्ट की स्लो हुई तो उसके अंदर वेव करेक्टर जो है लैम्डा की वैल्यू जीरो ही आएगी, यानी कि उसमें वेव करेक्टर नहीं है। तो हैवी पार्ट के लिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। अब इसमें और क्या दे सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे, जरा वो देखो ध्यान से। लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और हमको पता है कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ पार्टिकल्स इज गिवेन, अगर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल दे रखी है तो कैसे वेवलेंथ निकालेंगे वो मैं बता रहा हूँ। तो देखो विनो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, मानते हो इस बात को। यहाँ से मैं वी की वैल्यू निकाल सकता हूँ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई एम, और वी स्क्वायर की वैल्यू सॉरी है, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई एम। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, क्वेश्चन 1, सो पुट द वैल्यू ऑफ वी हियर, सो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन कितना आ गया, एम इंटू दिस वैल्यू अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई एम। नाउ इस एम को आप क्या ले सकते हो, रूट एम इंटू रूट एम, ठीक है, एक रूट एम से रूट एम कैसे हो जाएगा, सो लैम्डा कितना जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट 2 एम इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी गिवन है और पार्टिकल का मास पता होगा, एच पता होगा, यू कैन फाइंड द लैम्डा आल्सो। एक बात और याद रखना, कभी ऐसे देते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में देते हैं, क्योंकि ये भी काइनेटिक एनर्जी यूनिट क्या होता है, जूल, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, जूल। जब भी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होती है तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम वोल्टेज डिफरेंस V लगा रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो EV है। वोल्टेज डिफरेंस V लगाने से इलेक्ट्रॉन EV, इलेक्ट्रॉन जो कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो EV हो जाती है। जैसे मैंने बोला कि 2 वोल्टेज का बैटरी लगा दीजिए, 2 वोल्टेज की, तो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगी 2V हो जाएगी। अगर 3 वोल्टेज का डिफरेंस लगा रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 3 वोल्ट। जितना वोल्टेज डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉन उतनी ही फास्ट जो है वो मूव करेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो लेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई वी वोल्ट, यहाँ पर मैं 2 EV वोल्ट लिखूंगा बेटा, यहाँ पे 3 EV वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी ईवी है, तो वी कैन राइट लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू ई वी। वी क्या है, वोल्टेज डिफरेंस दैट इज अप्लाइड, ठीक है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। अब देखो इस फॉर्मूले में हमको E पता है, m पता है, h पता है, दिस वोल्टेज डिफरेंस विल बी गिवन। ये फॉर्मूला कम यूज होता है फिजिक्स का है, बट मैंने बता दिया इसे। सो इस तरीके से डी ब्रोगली वेवलेंथ के जो भी क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। देखो बच्चों एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, सो दैट सर्कमफेरेंस ऑफ द बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब मुझे बताना जरा,
अभी आपने कोई बात नहीं, दिस इज द ऑर्बिट, इसकी सर्कमफेरेंस क्या होगी, 2πr, ओके, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा, और जब भी कोई चीज इंटीग्रल मल्टीपल होती है तो इसको एन लैम्डा ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है कि जो सर्कमफेरेंस होती है, आपको पता है कि अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर और ऐसे वेव की तरह भी मूव कर सकता है, ठीक है, लाइक दिस, ओके। सो दिस द वेव लेंथ, इस पॉइंट को मिला दो तो ये वेव लेंथ है लैम्डा, अगेन इस पॉइंट को मिलाओगे यहाँ से यहाँ तक, अगेन दिस द वेव लेंथ, तो कह रहे हैं कि सर्कमफेरेंस, ये टोटल वेव लेंथ को जोड़ दो लैम्डा 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 करके, तो सर्कमफेरेंस के बराबर आ जाएगा। अब कितनी वेव्स बनेंगी, मान लो थ्री वेव्स बनी टोटल, एक फिर यहाँ पे दो, यहाँ पे थ्री, इस तरह फोर, इनको सबको मिला दो तो टोटल डिस्टेंस जोड़ दो तो सर्कमफेरेंस के बराबर होने चाहिए, और ये बात सही भी है, प्रूव करो चाहे ना करो। आप देखो इसको पॉइंट को पीछे कर दो, इसको पीछे कर दो, तो ये पूरा एक सर्कुलर तो बन जाएगा वापस से। तो मैंने कहा कि देखो ध्यान से, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक वेवलेंथ होगी लैम्डा, फिर ये पॉइंट दूसरी वेवलेंथ होगी, इन सभी टोटल डिस्टेंस को जोड़ोगे तो इसके सर्कमफेरेंस के बराबर ही आएगा। तो वही पूछ रहा है कि जो सर्कमफेरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मतलब एन मल्टीपल ऑफ लैम्डा, जहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, लाइक दैट। सो आपको पता है फ्रॉम बोर्स फॉर्मूला वी नो एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2π फ्रॉम बोर मॉडल, वी नो दैट, जहाँ पे एन क्या था, 1, 2, 3 एनर्जी लेवल, 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दैट, है ना, या ऑर्बिट नंबर कह सकते हो। नाउ आपने पढ़ा क्या है अभी थोड़ी देर पहले, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एन वी पढ़ा है। सो मैं इसको ले सकता हूँ एच अपॉन लैम्डा फ्रॉम दिस फॉर्मूला, एम वी क्या हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा इंटू आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2π, ठीक है। नाउ एच से एच कैंसिल हो गया और इधर हम 2πr लेके आ जाते हैं, सो 2πr इक्वल टू एन लैम्डा, हो गया प्रूफ, नॉट ठीक है, हो गया। अब जो पहला एक असाइनमेंट दिया तो उसमें एक क्वेश्चन था, अब वो क्वेश्चन मैं करता हूँ, ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आ चुका है। क्या क्वेश्चन है देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, फाइंड नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है तो कितनी वेव्स बनाएगा, ये डी ब्रोगली से पूछा जा रहा है, क्योंकि डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है जब सर्कुलर मोशन करता है तो वेव मोशन भी उसका हो सकता है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको पता है कि 2πr इक्वल टू एन लैम्डा अभी आपने प्रूव किया है, ठीक है, 2πr इक्वल टू एन लैम्डा, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2πr इक्वल टू यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ वेवलेंथ या नंबर ऑफ वेव्स इंटू लैम्डा, और लैम्डा को मैं क्या पुट कर रहा हूँ, एच अपॉन एम वी, ठीक है, इधर मैं ले आया इसको, तो 2π इंटू एम वी आर नंबर ऑफ वेव्स इंटू एच, और 2π इंटू अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल एम वी आर क्या होता है बच्चों, एन एच अपॉन 2π। सो इसको मैं ले सकता हूँ एन एच अपॉन 2π, और यहाँ पे n क्या था, ऑर्बिट नंबर, ये n क्या, वेव नंबर, एन डब्ल्यू इंटू एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो क्या रिजल्ट आया, n इक्वल टू एन डब्ल्यू। कितना इंटरेस्टिंग बात निकल के आई है,
क्या मतलब इस क्वेश्चन का? अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है तो उसकी नंबर ऑफ वेव्स कितनी होंगी? 4, यानी कि 4 लैम्डा होंगी टोटल। अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में है तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो जाएंगी? 5 वेव्स हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4। प्लीज इसको ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में होगा तो 3 वेव्स होंगी, फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो 1 वेव्स होगी। क्यों? जितना छोटा अगर ऑर्बिट होगा उतनी ही कम वेव्स होंगी। एक वेव्स कंप्लीट कितना होगा? एक वेव्स कंप्लीटली इतना होगा आपका, ठीक है, एक वेवलेंथ इतनी होगी पूरी आपकी, इतना। तो इस तरीके कितनी वेवलेंथ होगी यही पूछा था क्वेश्चन में, क्लियर है। अब एक चीज मुझे बताओ कि जब इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर है या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के अंदर वेव नेचर है, तो फिर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी बताना तो बहुत ही मुश्किल है। और नील बोर्ड ने इस बात को बढ़िया साइंस कह दिया कि वेलोसिटी इस फॉर्मूले से निकाल लो, रेडियस इस फॉर्मूले से निकाल लो, एनर्जी इस फॉर्मूले से निकाल लो, और आपने भी इतनी सारी मेहनत कर ली। अब बात क्या हो रही है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर है, जब इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है तो फिर बहुत मुश्किल बताना है कि इलेक्ट्रॉन कब किस प्लेस पर है। और पहले दिन जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द इलेक्ट्रॉन। अगर केवल पार्टिकल नेचर मानते हैं तो नो प्रॉब्लम, सब कुछ सिम सॉर्ट आउट था। अब यहाँ पे तो डी ब्रोगली एंड अदर साइंटिस्ट ने प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर वेव नेचर है। अब उसका वेव नेचर कब होगा, पार्टिकल नेचर कब होगा, इस बात को दुनिया में अभी तक कोई नहीं बता पाया। बट दोनों नेचर प्रूफ हो सकते हैं, ठीक है। और इस बात में और दम आ गई जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया। दिस प्रिंसिपल इज गिवन बाय हाइजेनबर्ग। ठीक है, इन्होंने तो इतने एक्सपेरिमेंट किए और एक बात कह दी कि फास्ट मूविंग जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतना फास्ट मूव करते हैं, इतना कम मास उनका होता है कि उनके कभी भी एग्जैक्ट वेलोसिटी, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताई जा सकती। दिस इज इम्पॉसिबल एट ऑल, और आज तक हम इसी पॉइंट पे चल रहे हैं। तो देखो क्या बोल रहा है उन्होंने, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ फास्ट मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। अगर डेल्टा एक्स उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और डेल्टा पी अनसर्टेनिटी मोमेंटम है, मोमेंटम यू अंडरस्टैंड, ठीक है, कीप चेंजिंग समथिंग, सो ये इंक्रीजिंग कह सकते हैं। सो अगर इन दोनों अनसर्टेनिटी को मिला दो आप, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी, अभी फॉर्मूला ड्राइव नहीं करना है हमको यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि आप कितना भी कोशिश कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट पोजीशन जो आप बना सकते हो वो है या तो वो एच अपॉन टू पाई, एक कैलकुलेटेड वैल्यू है। एच अपॉन टू पाई के मतलब मैं मान लूँ कि एच अपॉन टू पाई की वैल्यू 10 है, ऐसे मैंने बोल दिया आपको। तो उन्होंने कहा कि दोनों की अनसर्टेनिटी या तो 10 आएगी या से 10 से ज़्यादा आएगी, आप इससे बेटर रिजल्ट नहीं निकाल सकते हो। इसको ऐसे समझ लो कि अगर आपने पोजीशन बताई कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है 50 मीटर है फ्रॉम द न्यूक्लियस, मान लेते हैं इसे, तो ये समझ लो कि जो आप 50 मीटर निकाल रहे हो उसमें -10 या +10 उसमें एक्यूरेसी जो है वो हो सकता है, अनसर्टेनिटी, मतलब आपका रिजल्ट गलत है, उसमें +-10 कर लो, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सो इफ यू मल्टीप्लाई द अनसर्टेनिटी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स अनसर्टेनिटी पोजीशन, तो ये इनइक्वालिटी का साइन है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल अनसर्टेनिटी आएगी वो या तो एच अपॉन टू पाई के बराबर आएगी या इससे ज़्यादा आएगी। ये बच्चों एच अपॉन फोर पाई है, सॉरी, एच अपॉन फोर पाई के बराबर या इससे ज़्यादा आएगी, ठीक है। यानी कि फास्ट मूविंग पार्टिकल्स की वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ नहीं बताई जा सकती हैं। इसमें थोड़ा सा ये एक्सप्लेन तो इतना ही हमारे सिलेबस में से, तो पर थोड़ा ट्राई कर सकता हूँ और बताने के लिए इसको, कि इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल है, इसको लोकेट करने के लिए लो वेवलेंथ,
लो वेवलेंथ की रेडिएशन इस पर स्ट्राइक की जाती है। क्यों? लो वेवलेंथ मीन्स फ्रीक्वेंसी उसकी हाई, फ्रीक्वेंसी खूब हाई होनी चाहिए। और क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट है, तो जब किसी फास्ट चीज़ को आपको रोकना हो कुछ देर के लिए, उसकी पोजीशन को बताने के लिए, तो आपको उतना ही फास्ट जो है रेडिएशन से अटैक करने पड़ेगा, उस पर कोलाइड करना पड़ेगा। ये मैं इसे बता रहा हूँ आपको, बस आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल इतना ही है और न्यूमेरिकल भी उतने से हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इधर से किया गया और इधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं और इधर से भी आ रहे हैं। ठीक है, अब इतने तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को इसे क्या किया जा सकता है, कंट्रोल। इधर से रेडिएशन, इधर से रेडिएशन। और जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल किया जाएगा तो उसकी पोजीशन को बताना आसान होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा देर वो जब चारों तरफ से रेडिएशन आ रही है तो इट कैन बी लोकलाइज्ड, बट इतनी हाई फ्रिक्वेंसी की जो रेडिएशन आ रही हैं वो इसकी वेलोसिटी को और बढ़ा भी सकती हैं। अब तुम कह सकते हो कि जो लो वेवलेंथ की जगह हाई वेवलेंथ हो, तो हाई वेवलेंथ होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो इसको रोकना आसान मुश्किल है, रोकना मुश्किल है, तो फिर से वही आप इसकी पोजीशन नहीं बता सकते। तो पोजीशन को बताने की कोशिश कर रहे हो लेकिन अनसर्टेनिटी क्यों रहेगी, क्योंकि इतनी हाई फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन आएंगी तो वो इसको वापस से इसके अंदर मोमेंटम बढ़ा सकती हैं। ठीक है, आप क्या देख रहे हो यहाँ से, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई आपने लिखा था। इस फॉर्मूले से आपको क्या लग रहा है, इस फॉर्मूले में से लिखता हूँ डेल्टा एक्स प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, कि जब हम इसको लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो पोजीशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका मोमेंटम बढ़ने के चांस हैं, क्योंकि ये जो फास्ट में पार्टिकल्स हैं ये इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो एग्जैक्टली लोकेट करना बहुत मुश्किल है, क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ही स्पीड, बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन आप इसको दे रहे हो और उसको नहीं दोगे तो फिर ये लोकेट नहीं होगा, इसकी पोजीशन नहीं बता सकते। तो इन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ अगर आप पोजीशन निकालने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ उसके अंदर मोमेंटम होगा, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, और कुछ ना कुछ स्पीड होगी तो एग्जैक्ट पोजीशन तो बताना मुश्किल है। स्पीड को एकदम कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर ये हाई फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन है तो ये भी तो इसको मोमेंटम देंगी, इससे टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर होने के चांस है ना। ठीक है, इस फॉर्मूले में इसको और लगाने के लिए आप इसको डेल्टा एक्स इंटू मोमेंटम क्या होता है, पी इंटू एम इंटू डेल्टा वी, तो यू कैन ऑल्सो राइट एम इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस तरह इनइक्वालिटी का साइन लेकर के इस तरह सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आप अधिकतर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, मैं इस पर असाइनमेंट दे दूंगा।